नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ प्रमाण पत्र हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है और जिसके लिए हमें तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे पहले। तो ये जो ऑनलाइन सुविधा स्टार्ट हो गई है दोस्तों, स्टार्ट तो काफ़ी पहले समय से है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रमाण पत्र बन सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, इस तरीके के जो भी प्रमाण पत्र हैं आप बनवा सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या होता है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कोड से आप अप्लाई करके सारे फॉर्म आ जाते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का अभी पंजीकरण नहीं हो रखा है इसमें, यहाँ पर आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वाला पेज खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, उसकी पहले उपलब्धता चेक करना कि अगर होगी तो मिल जाएगी, मगर ये 6 से 8 करेक्टर की होनी चाहिए। आवेदक का नाम, जन्म तिथि और फिर आवास, जिला आपका, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सब से जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसमें 3 साल की कंडीशन लगा दी जाती है, कभी कहते हैं कि 1 साल पुराने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कई बार देखा गया है चाहे अलग अलग रिक्रूटमेंट में। तो आपको करना ये है सिर्फ कि जब भी आपको अप्लाई करना हो यहाँ से अप्लाई कीजिए, जो भी शुल्क है वो यहीं से कटेगा और सर्टिफिकेट बनके आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। और डिजिटल साइन होते हैं दोस्तों, तो वो एक तरीके का ओरिजिनल ही होता है, उसी को आप ले जाएं, उसी को प्रोड्यूस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बार बार आपको सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक कीजिए और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।